हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पनीशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। नाम श्वेता। सो आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स लूसन बुक के। सो आज है डे 7। सो अभी तक हमने 6 क्लासेस कर लिया है और 1 मॉक टेस्ट कर लिया है। सो अभी तक आपने 6 क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिए, ठीक है ना। हमारे चैनल पे 6 वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंटेंट इसमें गिवन था, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड याद रख लीजिए, एवरी मंडे को टेस्ट होगा। जो मैं पढ़ा रही हूँ वो मंडे को टेस्ट होगा, ओके। एवरी मंडे को टेस्ट होगा, सो इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। सो चलो, एंड कल के टेस्ट में बहुत सारे लोगों ने 15+ मार्क्स स्कोर किया है। उन सारे लोगों को कंग्रेचुलेशंस। आप सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई किया है, ठीक है ना। और भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं आज का पहला वन लाइनर कौन सा है, ठीक है। सो चलो, तो यहाँ पे क्या गिवन है, काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान एंड अफगानी इज इट्स करेंसी। सो यहाँ पे क्या है, काबुल जो है अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल, और अफगानिस्तान का करेंसी है अफगानी, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी, 3 C's पढ़ रहे हैं। और हमारे जो भी SSC एग्जामिनेशन हो या रेलवे एग्जामिनेशन हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है ना। कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, समझ में आ रहा है ना। सो थोड़े इम्पोर्टेंट कंट्रीज का मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपका आपको, ठीक है ना। याद रख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए थोड़े, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अर्जेंटीना के बारे में, तो अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है, ब्यूनोस एरिस है, ठीक है ना। अगर हम इसकी करेंसी की बात करेंगे तो पैसो अर्जेंटीना की करेंसी है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। सो बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, पता है कि आप लोगों को, बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका एंड इसकी करेंसी है ठाका, ठीक है ना। याद रखनी है, नोट डाउन भी करनी है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे भूटान के बारे में। सो भूटान का कैपिटल क्या है, थिम्फू है, और इसकी करेंसी क्या है, न्यू गुल ट्रम है, ठीक है ना। याद रखनी है, ठीक है ना। और भी देखेंगे, और दो पढ़ लेते हैं इम्पोर्टेंट कंट्रीज एंड उसके कैपिटल्स। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे क्यूबा के बारे में। तो क्यूबा का कैपिटल क्या है, हवाना है, ठीक है ना। हवाना इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा एंड यहाँ पे इसकी करेंसी की बात करेंगे तो पैसो उसकी करेंसी है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम इजिप्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे इजिप्ट का कैपिटल है कायरो एंड इसकी करेंसी है पाउंड, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना, समझ में आ गया। इतनी सी याद रख लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए, ये थोड़े इम्पोर्टेंट मैंने पढ़ा दिया है। बाकी हम एक अलग सी क्लास में कंट्री, कैपिटल, करेंसी पढ़ लेंगे, नहीं तो आप एक बार स्टैटिक GK की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दिया है पूरे के पूरे कंट्री, कैपिटल, करेंसी, जो भी इम्पोर्टेंट पढ़ना है, ठीक है ना। सो चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट वन लाइनर कौन सा है। सो नेक्स्ट वन लाइनर यहाँ पे क्या है, माउंट केटू इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, यानी माउंट केटू जो है इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है जो इंडिया में है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम हिमालयन पीक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। जो इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है वो है माउंट केटू, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉप टेन हाईएस्ट पीक्स ऑफ इंडिया एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे है माउंट केटू, सेकंड प्लेस पे कौन सा है, आप सारे लोगों को पता है, कंचनजंगा है, ठीक है ना। कंचनजंगा पीक है, ठीक है ना, ये सेकंड प्लेस पे है। देन थर्ड प्लेस पे बात करेंगे तो थर्ड प्लेस पे ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नंदा देवी पीक जो है थर्ड प्लेस पे हाईएस्ट पीक है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, उत्तराखंड में है ये।
और अगर कंचनजंगा की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? सिक्किम में है, ठीक है ना? ओके, देन फोर्थ प्लेस पे कौन सा है? कामेल पीक है, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में ही है, ठीक है ना? और फिफ्थ प्लेस पे कौन सा है? फिफ्थ हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कौन सा है? साल्ट्रो पीक है, ठीक है ना? साल्टोरो, ओके। और इसको ना साल्ट्रो कांगरी पीक बोला जाता है, ठीक है ना? कहाँ पे है ये? जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है ना? सिक्स्थ वाला कौन सा है? सिक्स्थ प्लेस पे कौन सा पीक है? यहाँ पे सासर, सासर कांगरी पीक भी है, भी जम्मू एंड कश्मीर में ही है, ठीक है ना? सेवेंथ वन देखेंगे। यहाँ पे सेवेंथ हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कौन सा है? मोमोस्टोंग कांगरी पीक है, ठीक है ना? इसका नाम, ये सेवेंथ प्लेस पे है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है ना? अगर हम एट वन की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सी है? रिमो पीक है, ये एट हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ठीक है? अगर नाइन्थ एंड टेंथ की बात करेंगे तो नाइन्थ प्लेस पे नाइन्थ हाईएस्ट पीक हार्डियोल पीक है, ठीक है ना? और टेंथ प्लेस पे है छोकाम्बा, छोकाम्बा पीक। तो ये हमारे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईएस्ट पीक्स ऑफ इंडिया है, ठीक है ना? याद रखनी है और नोट डाउन भी करनी है। ये जम्मू एंड कश्मीर में है, हरिद्वार ये उत्तराखंड में है, ठीक है? ये भी उत्तराखंड में ही है, ठीक है? ये 10 है, याद रख लीजिए और नोट डाउन पक्का कर लेना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो चलो अभी हम नेक्स्ट वन लाइनर देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वन कौन सा आ गया है? यहाँ पे आगरा फोर्ट, अजंता केव्स, येलोरा केव्स वर डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को साइट्स इन 1983। आगरा फोर्ट का मतलब यहाँ पे कौन सा है? रेड फोर्ट, ठीक है ना? रेड फोर्ट या आगरा फोर्ट एक ही होता है, ठीक है? यहाँ पे अजंता केव्स, येलोरा केव्स, ये तीनों ही 1983 में यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसे। अगर हम 1983 की बात करेंगे, और कौन सा साइट है जो 1983 में डिक्लेयर किया गया है, वो कौन सा हो जाता है? ताजमहल, ठीक है ना? ताजमहल 1983 में ये भी डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है ना? अगर हम यहाँ पे अजंता येलोरा केव्स की बात करें, अजंता येलोरा केव्स कहाँ पे है? औरंगाबाद में है, ठीक है ना? औरंगाबाद में, ये कहाँ पे है? औरंगाबाद में है, ओके। महाराष्ट्र के स्टेट में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और ये सारे के सारे जो है 30 बुद्धिस्ट केव्स है, ठीक है ना? 30 बुद्धिस्ट केव्स है, ठीक है? एंड ये एलोरा केव्स भी कहाँ पे है? ये औरंगाबाद में ही है, ठीक है ना? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ही है, ओके। तो ताजमहल कहाँ है? आगरा में ही है, ठीक है ना? ओके, देन हम 19 थोड़े और भी देख लेते हैं। अभी 1983 के बारे में बात किया, तो 1984 में कौन से डिक्लेयर किए गए हैं, इसको भी देखो जरा। सॉरी। यहाँ पे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ऑफ महाबलीपुरम, कौन से ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम को 1984 में यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है? देन अगेन 1984 में यहाँ पे कौन सा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल? सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, ठीक है ना? ये याद रख लीजिए। 1985 का देखते हैं, यहाँ पे 1985 में कौन से साइट को यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट? वो है द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, इसको डिक्लेयर किया गया था, ठीक है ना, वर्ल्ड
हेरिटेज साइट यूनेस्को ने. ओके सो यहाँ पे ना कहाँ पे है, पहले क्वेश्चन आता था कि यूनेस्को साइट कहाँ पे. अभी क्या हो ना, सारे लोगों को याद हो गया तो वो साल पूछने लग गए कि कौन से साल में इसको डिक्लेयर किया गया है. ठीक है, सो इतना याद रख लीजिए. सो यहाँ पे देखना 1983 में ये चारों को किया था, 1984 में यहाँ पे ये दोनों ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम सन टेम्पल ऑफ कुन्नार को किया गया था. अगर हम बात करेंगे 1985, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क. सो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि फर्स्ट नेशनल पार्क ऐसा कौन सा है जिसको यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जैसे वो हो जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क. ठीक है ना, इतनी सी बात याद रख लो. अगर हम यूनेस्को एस्टैब्लिश डेट भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देख लेना 16 नवंबर 1945 को एस्टैब्लिश हुआ था. ठीक है ना, और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, पेरिस में. ठीक है ना, याद रखनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो चलो नेक्स्ट वन लाइनर देख लेते हैं. सो यहाँ पे नेक्स्ट वन लाइनर आ गया है, कौन सा है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज इन गुजरात. सो गुजरात के नेशनल पार्क, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में बात करें वो है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क. सो थोड़े इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क गुजरात के पढ़ लेते हैं. ठीक है ना, सो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा है, मराइन नेशनल पार्क है. नोट डाउन कर लेना, नेशनल पार्क काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, कौन से भी स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन होने दो, सारे के सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. ठीक है ना, नेशनल पार्क, हर एक नेशनल पार्क पता होना चाहिए. ओके, सो मराइन नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात में है. ठीक है ना, और कौन सा है, ब्लैक बर्ग नेशनल पार्क है. और कौन सा है, वांसडा नेशनल पार्क है. और कौन सा है, वेलावडरा नेशनल पार्क है. ठीक है ना, सो ये नेशनल पार्क है जो गुजरात में है, मराइन है, ब्लैकबर्ग है, वांसडा है, वेलावडर है. ओके, ये नेशनल पार्क गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी है, याद रख लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर हम गुजरात की थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें बात करेंगे तो गुजरात की चीफ मिनिस्टर कौन है, याद रखनी है, चीफ मिनिस्टर भी इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पे कौन है, विजय रूपानी जो है, कौन है, चीफ मिनिस्टर है गुजरात के. अगर हम गवर्नर की बात करेंगे, कौन है, आचार्य देवव्रत. ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ. ठीक है ना, सो ये सारे के सारे नेशनल पार्क, गवर्नर एंड सीएम भी याद रख लो. ठीक है, सो चलो नेक्स्ट वन लाइनर देख लेते हैं कि कौन सा है. सो यहाँ पे नेक्स्ट वन देखना, द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इसराइल इज मोसाद. सो इसराइल का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनका नाम क्या है, इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है मोसाद. ठीक है, सो ऐसे ही अगर हम ईरान का देखेंगे, ईरान का इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है सवाक. ठीक है, अगर हम कनाडा की बात करेंगे तो कनाडा का इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम क्या है, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस. ठीक है ना, याद रख लो. एंड नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्यूबा, क्यूबा का इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम क्या है, डायरेक्टर जनरल द इंटेलिजेंसी. ठीक है, अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट और भी पढ़ेंगे एक दो. सो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इजिप्ट का, तो इजिप्ट का क्या है नाम इंटेलिजेंस एजेंसी का, मखवारत. ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया का इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम क्या है, ऑस्ट्रेलियन. सुनना ध्यान से, सुन के लिख लो, यहाँ पे नाम बड़ा है थोड़ा. ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, क्या है, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, लिख लीजिए. सो चलो ये हमारे थोड़े कंट्रीज के इम्पोर्टेंट जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज के नाम आपको मैंने बता दिया है. ठीक है,
चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट वाला वन लाइनर देखना क्या आ गया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज इन तमिलनाडु। सो सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है, जो प्रिजर्व करती है टाइगर्स को, वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है ना। सो चलो यहाँ पे थोड़े टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में उनको देखते हैं। सबसे पहले कौन सा है? कालाकड़, मुंडन थुराई, ये आ रहे टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट कौन सा है? फेमस वन है ये अनामलाई टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, ठीक है ना। और कौन सा है? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है। और कौन सा है? ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। सो ये टाइगर रिजर्व है जो हमारे तमिलनाडु में है, ठीक है। अगर हम नेशनल पार्क की बात करेंगे, एक बार नेशनल पार्क भी देख लेते हैं कौन से है, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखना, घुंजाई नेशनल पार्क है तमिलनाडु में, और यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क है। देन यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे मुकुटी नेशनल पार्क है, ठीक है ना। तो ये नेशनल पार्क है। सो यहाँ पे देखना, सो ये अनामलाई एंड मुदुमलाई जो ये दोनों ही है ना, सो ये टाइगर रिजर्व है और साथ ही साथ नेशनल पार्क भी है। टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओके, अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे, सो यहाँ पे ये हमारे हो गए, तो हम चीफ मिनिस्टर की बात कर लेते हैं। सो न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु कौन है? एम के स्टालिन है, ठीक है ना। अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है, ठीक है, पता ही है ना आप लोगों को, समझ में आ गया है ना। टाइगर रिजर्व है ये, नेशनल पार्क है, और ये दोनों टाइगर रिजर्व और साथ ही साथ नेशनल पार्क भी है। सो चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन लाइनर यहाँ पे कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर कवर्स तमिलनाडु केरला एंड कर्नाटका। सो यहाँ पे नीलगिरी जो बायोस्फीयर है ये वेस्टर्न घाट्स में है, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट्स में ही है ये। और कौन से यहाँ पे तमिलनाडु केरला एंड कर्नाटका को कवर करती है, यानी इन तीनों स्टेट्स में यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर है, ठीक है ना। इतनी सी बात याद रख लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन आती है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो वेस्टर्न घाट्स में है, तो वो हो जाता है नीलगिरी बायोस्फीयर जो तमिलनाडु केरला एंड कर्नाटका में, ठीक है। थोड़े इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर्स की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। सो सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है द ग्रेट रान, रान ऑफ कच्छ, ठीक है। ये कौन से स्टेट में है? ये गुजरात में, ठीक है ना। ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? गुजरात में है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे गल्फ ऑफ मन्नार, ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुंदरबंस नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे ये नेशनल पार्क साथ ही साथ बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है ना। और कौन से है? और यहाँ पे हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है ना। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ठीक है। और कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कौन सा है, सॉरी, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना।
और शेषाचलम बायोस्फीयर भी है यहाँ पे, शेषाचलम ये आंध्र प्रदेश में है, ईस्टर्न घाट्स में, ठीक है ना, ईस्टर्न घाट्स में। ओके इतना याद रख लीजिए, इतने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी पढ़ा दूंगी, ठीक है ना। सो चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट और कौन सा वन लाइनर है आज का। सो नेक्स्ट वन यहाँ पे वन लाइनर कौन सा है, चमेरा डैम इज इन हिमाचल प्रदेश। सो चमेरा डैम जो है हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। अगर हम बात करेंगे कौन से रिवर के ऊपर इस डैम को कंसिडर किया गया है, वो हो जाता है रावी रिवर, ठीक है ना। कौन सा रिवर है, वो रावी रिवर है, ठीक है। सो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में और कौन से रिवर्स है, यहाँ पे सतलज है, ठीक है, और बियास रिवर है। अगर हम बात करेंगे सतलज रिवर के ऊपर कौन से डैम्स कंस्ट्रक्टेड है, तो यहाँ पे नाथपा जाखू डैम है, और कौन सा है, बाकरा डैम है, ठीक है ना। बाकरा मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम, याद रख लीजिए, सतलज नदी के ऊपर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। देन बीस रिवर के ऊपर जो डैम कंस्ट्रक्टेड है वो है पोंग डैम, ठीक है ना। पोंग डैम जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है बीस रिवर के ऊपर। सो याद रखना यहाँ पे चमेरा डैम रावी रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है, बीस रिवर पे पोंग डैम है, और सतलज नदी पे यहाँ पे नथपला जाखू एंड बाकरा डैम है, ठीक है ना, याद रख लीजिए। सो चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट वन लाइनर कौन सा है। सो यहाँ पे नेक्स्ट वन लाइन आ गया है, कौन सा है, यहाँ पे नथुला पास इज इन सिक्किम। सो नथुला पास कहाँ पे है, ये सिक्किम में है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे सिक्किम में और कौन सा पास है, वो है जलेपला पास, ठीक है। हम और भी थोड़े इंपॉर्टेंट पासेस देखेंगे, तो अगर हम बात करेंगे सो यहाँ पे माना पास, तो ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है ना, उत्तराखंड में है ये पास। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे नीति पास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पासेस मैं पढ़ा रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, ये भी उत्तराखंड में है, ठीक है ना। अगर हम रोहतांग पास के बारे में बात करेंगे तो ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे शिपकिला पास के बारे में, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और थोड़े इंपॉर्टेंट पासेस है यहाँ पे कौन से है, तुजू पास के बारे में बात करेंगे, तुजू पास ये कहाँ पे है, मणिपुर में है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हम और भी देखेंगे थोड़े, सो यहाँ पे थालघाट पास है, ठीक है ना, थालघाट पास ये कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है ना। और कौन से है, पालघाट पास है यहाँ पे, ये कहाँ पे है, केरला में है, ठीक है ना, तमिलनाडु में, सॉरी, ठीक है। और एक देखेंगे, सो यहाँ पे पासेस ना हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, सो इसलिए इनको इतना लाइटली मत लीजिए, ठीक है ना, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे जोजिला पास, सो ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और कौन से है, पीर पांजल पास कहाँ पे, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना। राइट एवरीवन, समझ में आ गया है ना। और एक देखेंगे यहाँ पे, देखना दिहांग पास, ये भी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पास है, काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में है ये पास, ठीक है। सो अभी यहाँ पे सिक्किम के बारे में पढ़ रहे, तो यहाँ पे सिक्किम का चीफ मिनिस्टर कौन है बताओ। सो सिक्किम का चीफ मिनिस्टर है पीएस गोलाई, ठीक है। अगर हम बात करेंगे गवर्नर की, तो गंगा प्रसाद है यहाँ का गवर्नर, ठीक है ना, सिक्किम का। ओके राइट एवरीवन, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का भी नहीं पढ़ा हमने, तो यहाँ पे हिमाचल
हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर जी है, ठीक है ना। अगर हम गवर्नर की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश का गवर्नर कौन है? बांड्रू दत्तात्रेय, ठीक है ना। ठीक है, राइट एवरीवन। सो चलो नेक्स्ट वन देखते हैं आज का। हमारा आज का लास्ट वन लाइनर है, ठीक है ना। सो ऑस्ट्रेलियन ओपन इज प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट। सो यहाँ पे कौन सा है? ये टेनिस खेला जाता है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन बोले तो, ठीक है। सो इज प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट। सो यहाँ पे रेलवे में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ये ओपन से रिलेटेड। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन ओपन होता है, यूएस ओपन होता है। सो इनके बारे में क्वेश्चन आया था कि कौन से कोर्ट पे इसको खेला जाता है, इसलिए मैं आपको ये करा रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखना, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो था हार्ड कोर्ट के ऊपर खेलते हैं। अगर हम फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो ये कहाँ पे खेला जाता है? क्ले के कोर्ट के ऊपर खेला जाता है, ठीक है ना। अगर हम विंबलडन की बात करेंगे विंबलडन ओपन की बात करेंगे तो ये ग्रास कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। अगर हम यूएस की बात करेंगे, यूएस ओपन की बात करेंगे तो ये भी हार्ड कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। सो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन हार्ड कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। यानी हार्ड कोर्ट का मतलब ये कॉन्क्रीट से बना होता है, ठीक है ना, कॉन्क्रीट से बना होता है। अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे, इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अगर हम फ्रेंच ओपन की बात करेंगे, 1891 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ओके, अगर हम विंबलडन की बात करेंगे तो ये कब हुई थी एस्टैब्लिश? 1877 में एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है ना। अगर हम यूएस ओपन की बात करेंगे तो ये 1881 में एस्टैब्लिश हुई थी यूएस ओपन, ठीक है ना। ईयर्स भी याद रखनी है, ठीक है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये कब खेला जाता है? जनवरी के मंथ में इसको खेला जाता है, ठीक है ना। सो ये फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो ये मई से लेके जून के बीच में खेला जाता है। एंड विंबलडन जो है जून से लेके जुलाई के बीच में खेला जाता है। अगर यूएस ओपन की बात करेंगे तो अगस्त में खेला जाता है, ठीक है ना। सो इतनी सी बात रख लीजिए, ये फिक्स्ड है, इसी मंथ में खेला जाता है। पर एक्चुअली कोविड की वजह से थोड़ा चेंजेस आ गए थे इस गेम्स में, ठीक है ना, ओपन टूर्नामेंट में, ठीक है ना। तो ये 2020 एंड 2021 में थोड़ा इधर उधर हो गए थे, ठीक है ना। याद रख लीजिए कौन से कोर्ट पे कब एस्टैब्लिश हुआ था, ओके, और कब होता है, ठीक है ना। इतना ही है आज का क्लास, ठीक है ना। 10 जो है हमने कर लिया है, इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स उनको बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ लिया है। एंड आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, मंडे को हमारा जो भी हम पढ़ते हैं ना टेस्ट होगा, ठीक है ना। टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको क्या करना है, रिवाइज भी करना है, इसलिए नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इतना ही है। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना, और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए। यहाँ पे मैं सबसे पहले बताती हूँ कि यहाँ पे आपको अपने ऊपर विश्वास रखनी है कि आप कर सकते हो, ओके, मोटिवेट करो। यहाँ पे इसलिए मैं बोलती हूँ सुबह उठ के क्या बोलना है, आई कैन एंड आई विल, मिरर में देख के 10 बार रिपीट करो। ये बहुत अच्छे से मोटिवेट करती है, ओके। ये लाइन जो है ना बूस्ट करती है आपके मोटिवेशन लेवल को, ठीक है ना। आई कैन एंड आई विल, आई कैन एंड आई विल, बहुत बार रिपीट करो। जितने बार बोलोगे उतना मोटिवेशन बूस्ट होगा, ठीक है ना। एंड आप ये समझ लो कि आप जो भी हो ना, आप काबिलियत रखते हो नौकरी पाने के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। अगर आप हार्डवर्क करोगे तो हर किसी को मिल जाएगा नौकरी, ठीक है ना। हार्डवर्क करो, ओके। चलो, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं शाम 7 o'clock को सेम क्लास के साथ। बाय बाय।